हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक होम रेमेडी, नेचुरल तरीके से हमारे आईलैशेस और आईब्रो को किस तरह बढ़ाया जाए, उसकी ग्रोथ किस तरह करें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ली हूँ फ्रेश एलोवेरा जेल। आप चाहे तो मार्केट का भी ले सकते हो, लेकिन आप फ्रेश एलोवेरा जेल लोगे तो वो अच्छा रहेगा। इस तरह से मैंने इसे कट कर ली। 1 टीस्पून बस हमें फ्रेश एलोवेरा जेल चाहिए। और आपको पता है जो गर्ल्स और लेडीज़ होते हैं उनके आईलैशेस और आईब्रो कितने पतले रहते हैं, और आपको ये भी पता है अगर हमारे आईलैशेस और आईब्रो घने रहेंगे तो हमारी खूबसूरती में कितने चांद चांद लग जाएंगे। और आपको पता है एलोवेरा जेल जो हमारे बालों के लिए इतना फ़ायदेमंद है, तो वो हमारे आईलैशेस और आईब्रो के लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। इसके बाद मैंने ली हूँ विटामिन ई की कैप्सूल इवियॉन 400। ये आपको कोई भी केमिस्ट की शॉप पे बहुत इजीली मिल जाएंगी। जितना फ़ायदा इवियॉन 400 विटामिन ई का हमारे हेयर के लिए है, उतना ही फ़ायदा हमारे आईब्रोज और आईलैशेस के लिए भी है, इसलिए आपने इसे बिल्कुल स्किप मत करना। इसके बाद मैं ऐड करूँगी कैस्टर ऑयल, और 1/2 टीस्पून ही हमें इसमें कैस्टर ऑयल ऐड करना है और इसे अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद मैंने ली हूँ मस्कारे का ब्रश। अगर आपके पास मस्कारे का ब्रश है तो इसे अप्लाई करना बहुत इजी हो जाएगा, अगर नहीं है तो आप इसे एयरबड की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको रात में सोने से पहले इसे अच्छे से लगा लेना है और आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट देखने को मिलेगा। देखिए फ्रेंड्स, जो नेचुरल रेमेडी होती है उसका रिजल्ट हमको इतने जल्दी नहीं मिलता है। आप देखेंगे धीरे धीरे करके आपके आईब्रो और आईलैशेस में ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके आईलैशेस और आईब्रो बहुत ही ज़्यादा पतले हैं तो ये रेमेडी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि कुछ ही दिन के इस्तेमाल से आप देखोगे आपके आईब्रो और आईलैशेस में ग्रोथ होना शुरू हो जाएंगे। बस आपको आपके आईब्रो और आईलैशेस पे इस तरह से अप्लाई करना है और सो जाना है। आई होप फ्रेंड्स, आपको आज की ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होंगी। पसंद आई होंगी तो लाइक ज़रूर करना, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और शेयर भी करना।